ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਇਰੂਡਾਈਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। उम्मीद करता हाँ कि इस वीडियो को देखने तो पहले तुम इस प्लेलिस्ट पहलियां दो वीडियोस देख चुके होंगे, जिसे असी पैथोफिजियोलॉजी कोविड-19 की कितना कोविड-19 का वायरस बंदे के शरीर में जाके रेस्पिरेटरी ते कार्डिक फेलियर करता है, एंड आपां किवें अलग अलग जिहड़े कोविड के सिमटम है उन्होंने प्रति आपां डाइट अपनी किस तरीके की रखनी है, किहड़ियां चीज़ां अवॉइड करनियां, किहड़ियां चीज़ां आपां ज़्यादा लैनियां। उम्मीद है भी तुम दोवें वीडियोज़ देख लिया होणगियां, अगर नहीं देखिया है तो मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो देख सकते हैं। अज का हुण जिहड़ा थर्ड आह वीडियो इस सीरीज़ की हैगी है, ये आप गल करनी है सप्लीमेंटेशनस की, किहड़ियां चीज़ां असी डाइट दे विच लैणियां आ, उन्हां विच ऐसा की है जिहड़ा कोविड-19 दे नाल लड़न च साडी हैल्प करेगा, एंड उहनूं फूड दे विच की सोर्सिस नैचुरल आपां लैणे आ, ते सप्लीमेंटेशन उहदी आपां किस तरीके नाल लैणी है। ठीक है, सो आओ स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट सप्लीमेंट जिहड़ा कोविड-19 दे विच आ उह है ओमेगा-3। ओमेगा-3 फैटी एसिड जिहड़ा आ एंटी इनफ्लैमेटरी आ। सानू पता है भी कोविड दे नाल रिलेटेड साडियां इनफ्लैमेटरी रिस्पोंस दियां बहुत तगड़ियां प्रॉब्लम्स आ। साडा CRP इनफ्लैमेटरी मार्कर आ, साडा IL-6 इनफ्लैमेटरी मार्कर आ, जिहड़ा एक्वायर्ड निमोनिया हो रहा आ वह कितें ना कितें इनफ्लामेशन ते ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम दा रिस्पोंस आ। सो इनफ्लामेशन नूं डाउन करन वास्ते, शरीर नूं प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वधाउण लई ओमेगा-3 बहुत इंपोर्टेंट है। ओमेगा-3 सानू कित्थों मिलता है? ओमेगा-3 वैजीटेरियन सोर्सिस दे विच तां सानू नट सीड्स तो मिलता है, जिवें बदाम अखरोट तो, या तिल अलसी तो, चिया सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड तो, यह भी अच्छे सोर्स ओमेगा-3 दे हैगे। या फिश अगर असी खांदे हां तां फिश भी बहुत अच्छा ओमेगा-3 दा सोर्स है, फिश प्रोटीन दा भी अच्छा सोर्स है। आपां पिछली वीडियो च डिस्कस कीता सी कि प्रोटीन कितना जरूरी है साडे वास्ते। सो इन्हां चीज़ां दे थ्रू आपां नैचुरल ओमेगा-3 भी लै सकदे, या फिश ऑयल कैप्सूल, या अलसी के तेल के कैप्सूल, फलैक्सीड ऑयल के कैप्सूल मार्केट के ईजीली अवेलेबल आ, तुसी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वह भी आप दिन के घट्टो घट्ट दो डोज जिहड़ियां आ वह जरूर लईए ओमेगा-3 कैप्सूल दियां। नैक्सट आ जाओ वाइटमिन डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटमिन आ, एक हॉर्मोन की तरह बॉडी कम करता है, लेकिन फूड तो वाइटमिन डी पूरा करना पॉसिबल नहीं। सो कोविड पेशेंट ये गल याद रखन, भावें कि असी हाउस आइसोलेशन चा, हाउस क्वारंटाइन चा, फिर भी मैनेज करो कि अपनी एक छोटी जी स्पेस जिते होर कोई घर का मैंबर ना आवे, धुप जरूर सेकनी है, अद्धा पौना घंटा मॉर्निंग, अद्धा पौना घंटा ईवनिंग च, अर्ली मॉर्निंग दी ते लेट ईवनिंग, सवेर दी चढ़दी धुप ते शाम दी ढलदी धुप जरूर सेकनी है। जिन्ना भी तुसी धुप सेकोगे उहदा भी तुहाडे शरीर नूं बहुत नैचुरल बेनीफिट मिलेगा, तुहाडा वाइटमिन डी लैवल अप होएगा, जो कि तुहाडे इम्यून सिस्टम नूं इंप्रूव करेगा, निमोनिया दा जिहड़ा साडा मेन इशू आ उहनूं घटाएगा, उहदे लई बहुत बेनीफिशियल आ। छाती दी लंग्स दी रिकवरी वास्ते विटामिन डी बहुत जरूरी आ, सो धुप भी सेकनी है। इहदे नाल नाल आपां विटामिन डी दे लिक्विड या पाउडर फॉर्म च या जेल फॉर्म च जिहड़े कैप्सूल आउंदे आ, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट दा जिहड़ा कैप्सूल या सैशे या लिक्विड बॉटल आउंदी आ, उहनूं हर चौथे दिन आपां लैणा है एक महीने वास्ते। ठीक है, सो लगभग 6 to 7 डोसिस जिहड़ियां ने इह साडियां एक महीने दे विच विटामिन डी दियां आपां लैणियां आ। अगले सैकेंड मंथ तो फिर आपां इहनूं एक सैशे पर वीक कर देना। ठीक है, सो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत ही इंपोर्टेंट आ। ठीक है, नैक्सट आ गया साडा वाइटमिन सी। वाइटमिन सी देखो, पिछली वीडियो भी मैं दस्या सी कि वाइटमिन सी जदों गल आउंदी है साडे दिमाग च सब तो पहला यही आउंदा भी संतरा, मौसमी, निंबू, खट्टे फल नहीं खाने कोविड पेशेंट ने। फ्रूट भी बहुत लिमिटेड ही खाना है, क्योंकि कच्चा आ, कच्चियां चीज़ां, सब्जियां, सलाद, फ्रूट, इन्हां चीज़ों का बहुत परहेज करना। अगर तुहाडी कंडीशन स्टेबल आ, तुहानूं साह दी कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो खट्टा फल नहीं खाना। दूसरे फल तुसी फिर भी एक बड़ी जायज़ जी मात्रा च, घट मात्रा च खा सकते हैं, पर तुहाडा फ्रूट ज़्यादा पक्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पोला नहीं होना चाहिए, उहदे नाल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा आ। इस तों अलावा विटामिन डी लगभग सारिया दालां, सारिया सब्जियां ते लगभग सारे फ्रूट्स विच आ, लेकिन आपां कच्चियां चीज़ां तों फिर भी बचा रखना आ। इस तों अलावा विटामिन डी आपां सप्लीमेंट दे फॉर्म च भी दिन च 2 to 3 वार डॉक्टर दे अकॉर्डिंगली लै सकते हैं। ठीक है, जूस नहीं पीने। ओके, मैं फिर याद करा दवा, कोविड पेशेंट ने जूस नहीं पीने। ठीक है, मैं कई हॉस्पिटल्स के जूस सर्व होंदे देखे आ कोविड पेशेंट, बिल्कुल टोटली रोंग आ यह प्रोटोकॉल। ठीक है,
नैक्सट आ जाओ जी वाइटमिन ई। वाइटमिन ई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट आ, यह भी एंटी इनफ्लैमेटरी आ, रिकवरी सानू हैल्प करता है, चैसट वास्ते भी चंगा आ, ब्रेन वास्ते भी चंगा आ, ओवरऑल तुहाडे सारे ही सिम्पटम्स के उपर वाइटमिन ई का जिहड़ा बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आ। वाइटमिन ई सानू एग दे विच्चों, देसी एग दे विच्चों ते नट सीड्स दे विच्चों अच्छी मात्रा दे विच्च मिल जांदा आ। सो वाइटमिन ई आपां जैल फॉर्म च कैप्सूल भी आउंदा, वह भी दिन च एक बार लै सकदे आ, या आपां नैचुरल सोर्सिस तो भी वाइटमिन ई लै सकदे। नैक्सट आ जांदा साडा जिंक। मैं बार बार कह रहा सीगा कि वाइटमिन सी ते जिंक साडे लई बहुत इंपॉर्टेंट आ। जिंक चैसट की फेफड़िया की रिकवरी वास्ते बहुत अच्छा आ। सो जिंक सप्लीमेंटेशन आप टैबलेट फॉर्म च भी लै सकते, अदरवाइज जिंक जिहड़ा है सानू नट्स चों, दालां चों, सीड्स चों ते पोल्ट्री दे विच्चों भी आपां नॉन वेज दे विच्चों भी जिंक मिल जाता है। ठीक है, लास्ट विच आ गया प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी कि लाइव गुड बैक्टीरिया जिहड़ा गट विच जाके साडे खाने नू ब्रेकडाउन करता ते उहदे विच्चों विटामिन मिनरल अबजॉर्ब करके साडी बॉडी नू दिंदा। जी हाँ, एक गट बैक्टीरिया साडे लई बहुत अच्छा आ। सो कोविड पेशेंट दे क्योंकि एंटीबायोटिक चलते हैं, ये बैड वायरस के नाल नाल बैड बैक्टीरिया इनफेक्शन के नाल नाल साडे पेट का गुड बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाता, उस गुड बैक्टीरिया रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक कैप्सूल तुसीं मॉर्निंग, ईवनिंग या दिन च तीन बार भी अकॉर्डिंग टू तुहाडे डॉक्टर नाल सलाह करके या मेरे नाल डिस्कस करके तुसीं स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो साइड इफेक्ट आ प्रोबायोटिक्स कैप्सूल शुरू करन दा। नैचुरल प्रोबायोटिक्स दे विच दही लस्सी आ जांदा, पर दही लस्सी सानू कोविड दे विच मना आ। सलाद सब्जियां दे पिकल्स वगैरह आ जांदे आ, वह भी खट्टियां चीज़ां आ, एसिटिक एसिड हुंदा उहदे च, विनेगर पाया हुंदा, वह भी सानू मना आ। सो प्रोबायोटिक वास्ते असीं कैप्सूल का ही इस्तेमाल, जिहड़ा सप्लीमेंट का ही इस्तेमाल करांगे। इस तो अलावा अपने डेली वाइटमिन्स अगर तुसी कोई रेगुलैरिटी खा रहे हो उन्होंने कंटिन्यू रखो। नवा अगर तुसी मल्टीवाइटमिन स्टार्ट करना चाहते तुसी कर सकते हैं, तुहाडी बॉडी नूं उहदा कोई हार्म नहीं है। लेकिन मल्टीवाइटमिन्स उत्ते अगर आप डिपेंडेंट रहने लेकिन डाइट अच्छी नहीं खाते फिर भी मल्टीवाइटमिन्स लैण दा सानू कोई खास फायदा नहीं हुंदा। लास्ट विच आ जांदा आ कि एक सप्लीमेंट इत्थे मैं लिखिया नहीं है बोर्ड च, लेकिन वह सप्लीमेंट सानू मना आ। वह कहड़ा सप्लीमेंट है? प्रोटीन पाउडर। किसी भी तरह का प्रोटीन पाउडर आप नहीं लेना। ठीक है, प्रोटीन पाउडर जिहड़ा आ 10 विच्चों 2 लोगों को कई बार खंघ, रेशा या बलगम की दिक्कत कर सकता है। ठीक है, 10 विच्चों 2 लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट खा के खंघ, रेशा या बलगम बननी शुरू हो सकती है, ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। आप 10 विच्चों 2 बंदियां वाला रिस्क भी नहीं लेना। सो मन लो कि कोविड तो असी अच्छी रिकवरी कर ली, असी अपने हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लिया, घर आ गए, हुण असी अच्छी रिकवरी कर ली, हुण असी प्रोटीन पाउडर लेने शुरू कर ले, चाहे वह स्पोर्ट्स प्रोटीन पाउडर है, चाहे वह वे प्रोटीन है, चाहे वह मेडिसिनल प्रोटीन है। जिहड़ा जदों तुसी प्रोटीन पाउडर स्टार्ट किया, अगर अनफॉर्चुनेटली तुसी 10 चों 2 बंदियां च होए जिन्हां नूं रेशा बलगम वध जांदी प्रोटीन खा के, तुसी जिन्नी रिकवरी 5-10-15 दिनों च कीती आ वह खांसी रेशा बलगम दे नाल उन्ना ही फिर पिछे नूं चले जाओगे। जानलेवा है, तुहाडे लई बहुत रिस्की है। सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स दा आपां परहेज करना है, नैचुरल प्रोटीन डाइट चो लेना। अगर तुहानू पेट की कोई परेशानी नहीं है तो दुध वाला पनीर भी खा सकते हो, जो वैजीटेरियन हो तो सोया पनीर ते न्यूट्री दी 50-50 ग्राम की सर्विंग दिन च 2 बार आपां लै सकते हैं। अगर नॉनवेज हो, नॉनवेज खा लेंदे हो तो एग, फिश, चिकन ये चीज़ां लै सकते हैं। अगर देसी मुर्गा, देसी चिकन या देसी एग खाओगे वह तुहानू ज़्यादा बेनीफिट आ। जिहड़े एज्ड लोग ने वह एग का वाइट हिस्सा ज़्यादा खा। सो दोस्तों, इस दे नाल मैं आ जिहड़ी छोटी जी सीरीज़ बनाई है एक प्लेलिस्ट कोविड 19 ते डाइट प्रोटोकॉल्स की, उन्होंने आप समाप्त करते हैं। इस वीडियो नू चंगी तरह देखो, प्लेलिस्ट तीनों वीडियोज़ नू देखो, उन्हें समझने की कोशिश करो। उस कोई डाउट आता है मैनू मैसेज करो, कॉल करो, मन दे विच कोई डाउट नहीं रखना क्योंकि कोविड किसी नू भी हो सकता है। एंड ये जानलेवा आ, बच्चे, बुजुर्ग ते ईवन जवान उम्र देख के ये किसी नू नहीं लगता, तो उम्र देख के ही किसी की जान नहीं लेंदा। कोविड तो जिन्ने लोग रिकवरी भी कर चुके ने अज भी उन्होंने 3-4 महीनों बाद भी कई बार वीकनेस वगैरह फील होंदी है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डाइट वगैरह वह नहीं लै पाते। कई बार लाइफ लोंग फेफड़िया डैमेज हो जाती है, लंग्स से फिब्रोसिस हो जाता है, जे तो लाइफ लोंग रिकवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट लेट शुरू किया, डाइट में सीरीयसली नहीं लिया, अपनी मनमर्जी की। सो मैं उम्मीद करता हाँ कि तुहानू ये सारिया वीडियोज़ अच्छी लगियां होगियां। लोड़वंद परसन के नाल इनू शेयर करो। अगर तुहाडे सर्कल दे विच्चों किसी बंदे नू कोविड इन्फेक्शन हो गया या अनफॉर्चुनेटली उहदे नाल इह शेयर करो। अगर तुहानू कोविड रिलेटेड डाइट प्लैन की रिक्वायरमेंट आ तां वी तुसीं मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैनूं तुहाडी हैल्प करके बहुत खुशी होएगी। मैं उम्मीद करदा हां कि तुसीं इस वीडियो नू वध तों वध शेयर करोगे अगर तुहानू इह चंगी लगेगी। उम्मीद है कि साडा देश बल्कि पूरी दुनिया इस बीमारी दे नाल एकजुट हो के लड़े। सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क पाओ, सैनिटाइज़ करो अपने घर नूं भी, अपने आले दुआले नूं भी, अपने आप नूं भी, सारियां गाइडलाइनस फॉलो करो। एक बंदे की गलती दे नाल भी ये साडे वायरस घर दे विच आ सकदा है ते साडे घर दे मैंबरां नूं इनफेक्ट कर सकदा है।
अपना ते अपने परिवार का ख्याल रखो। इस कड़ी नू तोड़दे होए अज आप प्रण करिए कि असी COVID-19 नू सीरीयसली लवेंगे, प्रिकॉशनस प्रॉपरली लवेंगे, गाइडलाइनस फॉलो करांगे, तो जिथे डाइट की गल आ जाएगी उत्थे सिर्फ तो सिर्फ सही गाइडलाइनस जिहड़ियां आ उन्हां नू ही चूज़ करके एक्सैप्ट करांगे। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, आप मिलांगे अगली बार, उदों तक अपना रखो ख्याल, टेक केयर।